जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ, छत्तीसगढ़ में आने वाले बजट में विभिन्न प्रकार की घोषणाएं हो सकती हैं, जिनमें बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को हर माह 1,000 रुपए देने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार आने वाले बजट के माध्यम से कर रही है। सभी वर्गों को अब एक जैसी पेंशन की सुविधा मिल सकती है। साथ ही युवाओं के लिए 2.5 लाख नौकरियों का ऐलान आने वाले बजट सत्र में हो सकता है। चुनावी साल में देश के बजट में इस बार सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के विकास पर फंड मिल सकता है। सरकार बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को लगभग 350 से लेकर 650 रुपए तक पेंशन के रूप में अभी तक देती आ रही है। इसे बढ़ाकर 1,000 रुपए तक करने की तैयारी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की लैंडमार्क स्कीम, जिसे आत्मनंद स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए बजट में 400 नए भवनों का फंड प्रावधान करने की संभावना है। साथ ही प्रदेश में घोषित किए गए 4 नए मेडिकल कॉलेज और 5 जिला अस्पतालों के भवनों के लिए भी इसी बजट में फंड जनरेट करने की तैयारी है। भूपेश सरकार के शपथ लेने के कुछ अर्से बाद ही बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं, साथ ही साथ महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने की घोषणा की गई थी। प्रदेश में इस श्रेणी के अंतर्गत 42 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में आते हैं और ऐसे में इन्हें अलग अलग श्रेणी में औसतन 350 से लेकर 650 रुपए महीना मिल रहे हैं। सरकार बजट में इसे बढ़ाकर 1,000 रुपए तक करने तथा सभी वर्गों को एक जैसी पेंशन देने की घोषणा कर सकती है। बजट में युवाओं के लिए रोजगार मिशन के तहत 2.5 लाख से अधिक अवसर की घोषणा भी बजट में संभव है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य के लिए भी 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव अभी बजट में आ सकते हैं। साथ ही नवा रायपुर, मौजूदा रायपुर, भिलाई और दुर्ग तक लाइट ट्रेन प्रोजेक्ट के रूप में बजट भी आ सकता है। एक अच्छी खबर यह है कि अब नाम ट्रांसफर करने के लिए परिवहन केंद्र से आप करा सकते हैं, जिसके लिए शुल्क महज 100 रुपए ही देने पड़ेंगे। दलाल अभी तक इसके लिए 2,000 रुपए तक चार्ज लेते थे। दरअसल सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदी बिक्री के लिए अब RTO दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। परिवहन विभाग ने बीते दिन से आधार ऑथेंटिकेशन नाम से एक योजना शुरू कर दी है और इसके तहत खरीदी बिक्री करने वाले अपने नजदीकी परिवहन सुविधा केंद्र जाएंगे, आसानी से अपना नाम ट्रांसफर करा सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि नाम ट्रांसफर के खेल में दलालों की सक्रियता कम हो जाएगी। अभी तक मिली जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोग दलालों के चक्कर में फंसते और दलाल मोटी रकम ऐंठ लेते थे। ऐसे में परिवहन अफसरों की माने तो इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इस नई व्यवस्थाओं के शुरू होने से लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अभी तक जितना पैसा नाम ट्रांसफर में लग रहा था उनमें 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। RTO के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर साल 2 लाख से ज्यादा सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदी और बिक्री की जाती है और लाल इनमें 2,000 रुपए तक अपना कमीशन खाते हैं। ईंट भट्टे के ऊपर सो गए थे 3 लोग, जिसकी वजह से इन तीनों की मौत हो गई। शराब के नशे में थे, कंबल ओढ़ करके सोए तो फिर सुबह उठे ही नहीं। ये खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से, जहां पर ईंट भट्टे के ऊपर सो रहे 3 लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। तीनों शराब के नशे में थे, रात को कंबल ओढ़ करके सोए थे, फिर सुबह जैसे ही उठे, यानी कि ये जो है सुबह उठ ही नहीं पाए। आसपास के लोग जब मौके पर पहुंचे तो पूरे मामले का पता चल पाया। मामला गणेश मोड़ चौकी थाना क्षेत्र का है। इसके अलावा मेरी जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में होने के कारण रात को ही एक और व्यक्ति, जो अन्य अजय चोरवा है, वो चौथा व्यक्ति था जो नीचे गिर गया था और फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह जमीन पर ही सो गया। इसकी वजह से इसकी जान बच गई। वेदर अपडेट को लेकर खबर, छत्तीसगढ़ में मौसम का यू टर्न अब देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से 5 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। 2 दिन बाद भी एक बार फिर से अब गर्मी बढ़ने वाली है। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। उत्तर से आने वाली हवाओं के कारण से दिन का पारा 4 से लेकर 5 डिग्री तक गिर गया है। वहीं दूसरी ओर रात के तापमान में 2 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग की माने तो ठंड एक बार और अपना असर दिखाएगी। इसके बाद उत्तर भारत में बना पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ गया है, इसके साथ ही चक्रवाती असर भी कम हो गया है। प्रदेश में उत्तर से ठंडे और शुष्क हवा का आगमन लगातार जारी रहेगा। प्रदेश में सोमवार को प्रदेश के सभी संभागों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है और बात करें तो उत्तरी भाग में हल्के कोहरे अथवा धुंध प्रातः काल में बनने की संभावना है। और अब खबर, रायगढ़ से चल करके सीएम हाउस तक पहुंचे पीड़ित जो है, जिनको यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा है छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ के बैनर तले। जो भी निवेशक जिन्होंने अपनी पैसे चिटफंड कंपनी में डाले थे
और अपने पैसे वापसी की मांग को लेकर के गुहार प्रदेश सरकार से लगा रहे हैं। इसे लेकर संघ रायगढ़ से रायपुर सीएम हाउस तक पदयात्रा किए। ऐसे में बीते दिन संघ की यात्रा बिलासपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने शहर के बीचों बीच होते हुए पदयात्रा की। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य निवेशकों की पैसा वापसी कराना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को उनके किए हुए वादे को याद दिलाने के लिए ये यात्रा की जा रही है। बताया गया कि विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र क्रमांक 34 में निवेशकों की पैसा वापसी का वादा किया गया था और इस बात को याद दिलाने के लिए ये पदयात्रा की जा रही है। इस अवसर पर संघ के प्रदेश महासचिव नंद कुमार निषाद, सचिव ईश्वर पटेल समेत विभिन्न लोग यात्रा करने के दौरान बिलासपुर पहुंचे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लेकर खबर, अब जमीन के बटांकन और नामांतरण की 8,678 अर्जियां अभी भी पेंडिंग, ऑनलाइन दिख रही हैं केवल 3,491 क्योंकि इनकी एंट्री ही नहीं हो पा रही है। राजधानी जमीन के बटांकन, नामांतरण और सीमांकन से संबंधित आवेदनों के निराकरण के लिए तहसीलों में शिविर लगाने के बाद भी 8,678 जमीन मामले अभी भी लंबित हैं। पेंडिंग मामलों की संख्या आला अफसरों को न दिखे, इसीलिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में केवल 3,491 मामले ही लंबित दिखा रहे हैं। तहसीलों के अफसर नए और पुराने मामलों की ऑनलाइन एंट्री ही नहीं कर रहे हैं। तहसील दफ्तरों में मौजूद पंजीयन रजिस्टर में ही इसकी एंट्री हो रही है। इस वजह से ऑनलाइन लंबित मामलों की संख्या कम दिखाई दे रही है। वंदे भारत पर एक बार फिर से पथराव हुआ और आरपीएफ की टीम ने 15 पत्थरबाज पकड़े हैं, जिनमें से 12 अभी भी नाबालिग हैं। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से, जहां एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन में पथराव किया गया। पथराव करने वाले 15 लोगों को आरपीएफ की टीम ने पकड़ा है। पकड़े गए उपद्रवियों में से 12 नाबालिग भी शामिल हैं। आरपीएफ के अफसरों ने नाबालिगों को समझाइश देकर के छोड़ दिया है। वहीं अन्य आरोपियों पर भी कार्यवाही जारी है। ग्रामीणों से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें मेले से वापस लौट रहे थे सभी लोग। 14 के हालात गंभीर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ से खबर, जहां सिवरी नारायण में 15 दिवसीय माघी पुन्नी मेले का आयोजन जारी है। मेला देखकर घर वापस लौट रहे 50 लोगों से भरी पिकअप अचानक पलट गई। इस हादसे में सभी पिकअप सवार घायल हो गए, जिनमें से 36 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बिलाईगढ़ सिवरी नारायण में 15 दिवसीय माघ पुन्नी मेले का आयोजन हो रहा है और इसी मेले को होने के लिए आसपास के ही नहीं बल्कि दूर दूर से भी लोग पहुंचते हैं। और इस दौरान मेला देखने के लिए लगभग 50 ग्रामीण पिकअप में सवार होकर पहुंचे थे, लेकिन वे वापस लौटते वक्त ये हादसा हुआ। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली से भी बड़े आंदोलन की तैयारी है। किसान महासम्मेलन में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे राकेश टिकैत, कहा देश इसके लिए तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा और उसके नेता राकेश टिकैत इस साल एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ये आंदोलन पिछले साल तक चली दिल्ली की घेराबंदी वाले आंदोलन से भी बड़ी होगी। हसदेव अरण्य बचाव आंदोलन की किसान महासम्मेलन के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे राकेश टिकैत ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस देश में किसान आंदोलन से बड़े मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए तैयार है। रायपुर हवाई अड्डे पर किसान नेताओं और दूसरे संगठनों ने टिकैत का स्वागत किया। इस दौरान प्रेस से बातचीत करते हुए टिकैत ने कहा कि आने वाले समय में देश में वैचारिक क्रांति आएगी। नायक फिल्म की तर्ज पर अब दुर्ग पुलिस कर रही है काम। सभी थानों में सहित मॉल, सरकारी कार्यालय और चौक चौराहों पर शिकायत पेटी स्थापना करी जाएगी। दुर्ग जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव नायक फिल्म की तर्ज पर काम कर रहे हैं। जल्द ही उनके द्वारा जिले के सभी थानों और सहित चौक चौराहों, पब्लिक प्लेसेस और साथ ही साथ मॉल और बड़े सरकारी कार्यालयों में सुझाव पेटी लगवाई जा रही है। सप्ताह में एक बार इस पेटी में आने वाली शिकायतों और सुझावों को कलेक्ट किया जाएगा और उस पर कार्यवाही करके अमल किया जाएगा। ये प्रक्रियाएं तब तक चलेंगी जब तक शिकायत पेटी में शिकायतें आना बंद ना हो जाएं। आपने अनिल कपूर की नायक मूवी तो देखी ही होगी। उस मूवी में मुख्यमंत्री बनने के बाद अनिल कपूर ने अपने राज्य में सभी तरह का सभी जगह शिकायत पेटी लगवाते हैं और एक एक शिकायत पर अमल करते हैं। उसका ये कार्य तब तक चलता रहता है जब तक उस पेटी में एक भी शिकायत नहीं आती। ऐसा ही कुछ संकल्प लेकर दुर्ग पुलिस अपना काम कर रही है। हालांकि ये काम कितने हद तक सफल होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक ही गाड़ी में बैठे बाबा और दाऊ, सरगुजा में एक साथ दिखे मुख्यमंत्री भूपेश और सिंहदेव, प्रतिमा का किया अनावरण। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर से, जहां पर लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा क्षेत्र में एक साथ दिखाई दिए। मौका था प्रदेश के पहले वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा के अनावरण का। बैकुंठपुर में आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी अपनी ही कार के साथ लेकर अनावरण स्थल पहुंचे और उनके साथ विधानसभा
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शरदास महंत, प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी रहे। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों ने कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के घड़ी चौक पर डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। विजन 2023 को लेकर एक बार फिर से गठबंधन की ओर रुख कर रही है JCCJ। पिछला चुनाव बसपा के साथ अलायंस में लड़ा था और अब नए गठजोड़ के लिए अमित जोगी के नए अधिकृत किए गए हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी JCCJ आगामी चुनाव में उतरने से पहले एक बार फिर से गठबंधन का रास्ता तलाश रहे हैं। बीते दिन चली कार्यकारिणी और साथ ही साथ कोर कमेटी की बैठक में ये आम राय बना ली गई है। कोर कमेटी ने समान विचारधारा वाली पार्टी अथवा पार्टियों से गठबंधन के लिए JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को अधिकृत कर दिया है। यानी अमित जोगी अब अपनी ओर से गठबंधन की बातचीत कर पाएंगे। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्यकारिणी और कोर कमेटी की बैठक बीते दिन हुई। रायपुर के सिविल लाइन्स स्थित जोगी परिवार के निवास में ये आयोजित हुई थी। होली पर अब कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट मार्च तक बढ़ा दी गई है। मार्च से मई तक ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट बढ़ चुकी है। यूपी बिहार मुंबई के लिए अब कोई भी टिकट्स नहीं मिल पा रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली साथ ही साथ मुंबई जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में मार्च के बाद से ही आसानी से टिकट मिल रही है। लेकिन होली मनाने के बाद अपने गाँव या फिर बाहर जाने वालों का सफर अब आसान नहीं होगा, क्योंकि 7 मार्च तक ज्यादातर ट्रेनें पैक हो गई हैं। कन्फर्म टिकट भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में यात्रियों के लिए तत्काल टिकट ही एक इकलौता विकल्प होगा। होली पर बाहर जाने वालों के आरक्षण केंद्र पर कन्फर्म टिकट पाने के लिए सुबह से ही जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद उनको कन्फर्म टिकट होली के बाद की तारीखों का ही मिल पा रहा है। स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। बिजली ऑफिस में एक भालू घुसाया जिसे लोगों ने पास से देखा और तस्वीरें भी ली। फिलहाल ये घटना भानु प्रतापपुर का, जहां पर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर जिले में लगातार पिछले एक माह से आसपास से भालू दिखाई दे रहा है। अब बिजली ऑफिस में एक भालू घुस गया है और भालू को उस समय देखा गया जब लोगों की चहल पहल थी। इसके बाद कई लोगों ने देखा और उसकी तस्वीर मोबाइल में रिकॉर्ड भी की। बताया जा रहा है कि भालू को सबसे पहले हाईस्कूल मैदान के पीछे देखा गया था और अब ये जो है, बता दें कि ये भालू पिछले एक माह के पास से दिखाई दे रहा है। संसद में गूंजा बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला। अरुण साव ने कहा कि टारगेट करके की जा रही हत्या, निष्पक्ष जांच की मांग अरुण साव ने जो है इस सभा में करी। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नक्सल हिंसा में मारे गए नेताओं से जुड़ा मामला अब संसद में उठ चुका है। लोकसभा में अपनी बात रखते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जानबूझकर भाजपा के नेताओं की हत्या करने की साजिश हो रही है, हमारे लोगों की सुरक्षा वापस ले ली गई। सांसद में साव ने कहा कि कांग्रेस को इसका जिम्मेदार बताया। सांसद अरुण साव छत्तीसगढ़ में पिछले 30 दिनों में 4 भाजपा पदाधिकारियों की निर्मम हत्या पर कांग्रेस के खिलाफ लोकसभा में जमकर बरसे। और अब दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।